स्वागत है जी आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाटी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है तो किस तरीके से आप व्हीकल का री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किस तरीके से आप वाहन की RC रिन्यूअल कर सकते हैं, तो उसी की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा परिवहन। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है होम परिवहन सेवा, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। परिवहन की ऑफिशियल साइट ओपन होकर आ जाएगी। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा किस स्टेट का आपका व्हीकल है। अब यहाँ पे RTO सेलेक्ट कर लीजिएगा किस RTO में व्हीकल आपका रजिस्टर्ड है। RTO अगर आपको नहीं पता तो सिंपली व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालिएगा, बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। अब प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो या सर्विसेज पे क्लिक करके RC रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक करके रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। अब इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, यहाँ पे जिस नंबर के लास्ट की 5 डिजिट डालिए और वेरीफाइड डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जनरेट OTP पे क्लिक कीजिए। अब मोबाइल पे एक 4 डिजिट का OTP चला गया, वो OTP यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल। यहाँ पे आपको व्हीकल की और ओनर की इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइए। पेज पे नीचे की तरफ आओगे आपको इंश्योरेंस डिटेल और फीस डिटेल दिख जाएगी। यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दिख जाएगा कि जितना भी आपको पेमेंट करना होगा वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और किसका चार्ज कट रहा है वो यहाँ पे दिख जाएगा, किन किन चीज़ों का आपके केस में चार्जेस कट रहे हैं वो यहाँ पे दिख जाएगा, और जो भी फाइन लग रहा है वो यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल अमाउंट यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी या यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी। पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पर आप क्लिक करोगे। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके SBI मल्टी बैंक पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा। स्टेट बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड्स पेमेंट करना चाहता हूँ तो क्लिक यहाँ पे कर देता हूँ। अब कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा कार्ड में, जो नाम है कार्ड नंबर यहाँ पे डाले, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डाले, CVV कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगा वो यहाँ पे डाले, और पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक करें। अब कार्ड से जो मोबाइल लिंक है OTP उस पर चला गया है, वो OTP यहाँ पे डाल के कन्फर्म पे क्लिक करें। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म 25 की 3 या 4 कॉपी निकाल लीजिएगा, इसको भर लीजिएगा और अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके अपलोड आप कर लीजिएगा। किस तरीके से आपको फॉर्म 25 भरना है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हो या फिर YouTube पे सर्च करके आप देख सकते हो। बाकी पेमेंट रिसिप्ट अगर निकालना चाहते हो तो प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे। अब इस तरीके से पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा। स्लैश से पहले जो एप्लीकेशन नंबर है इसको आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप स्टेटस देखोगे या पेमेंट रिसिप्ट निकालोगे या डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो एप्लीकेशन नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बाकी यहाँ पे आपको पेमेंट दिख जाएगा, अमाउंट दिख जाएगा, किस सर्विस का कितना अमाउंट कटा है वो आपको दिख जाएगा, पेनल्टी भी है अगर तो वो यहाँ पर दिख जाएगा, टोटल कितना पेमेंट कटा है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। बाकी इसको आप सेव करना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो या प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट पर क्लिक करके ईजीली आप कर सकते हो। फाइनल सबमिट अगर आप करना चाहते हो तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आप पूरी तरीके से इस एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हो। अब अपॉइंटमेंट का मैं आपको बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट यहाँ से आप कर सकते हो। अपॉइंटमेंट पे क्लिक करके बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिए। अपॉइंटमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालोगे, ये जो वेरिफिकेशन कोड है इसको यहाँ पर डाल के गेट यूजर डिटेल पर क्लिक करके प्रोसीड करके अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो। वहीं अगर आपके केस में आ रहा है कि इन योर एप्लीकेशन केस यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर बुक अपॉइंटमेंट, कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी डेट में RTO ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप करा दीजिएगा। वहीं अगर
एप्लीकेशन नंबर डाल के ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे डाल के गेट यूजर डिटेल पे क्लिक करके प्रोसीड करके अगर अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है तो अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिएगा। जिस डेट का भी आपको अपॉइंटमेंट मिला है उस डेट में प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आप RTO ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दीजिएगा। डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, और अगर आपके केस में अपॉइंटमेंट भी अगर आपने बुक किया है तो जिस डेट का भी आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है उस डेट में ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट रिसिप्ट भी आपको लेके जानी होगी। अगर आपके केस में अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, और जो वाहन मालिक है उसको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। बाकी अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप निकालना चाहते हो, अपॉइंटमेंट अगर आपने बुक कर दिया है अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो तो रीप्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप पे क्लिक करके निकाल सकते हो। बाकी एप्लीकेशन नंबर अगर आपको नहीं पता एप्लीकेशन नंबर निकालना चाहते हो तो सिंपली नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालिएगा। ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करके यहाँ से भी आप एप्लीकेशन नंबर प्राप्त कर सकते हो। बाकी पेमेंट अगर आपकी पेंडिंग में चली गई है, वेरीफाई आप करना चाहते हो तो री वेरीफाई पेमेंट ट्रांजेक्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालोगे, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के शो डिटेल्स पे क्लिक करके आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। बाकी पेमेंट रिसिप्ट आप निकालना चाहते हो तो रीप्रिंट रिसिप्ट या फॉर्म पे क्लिक करके रीप्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो। डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट अगर आप चेंज करना चाहते हो या मॉडिफाई करना चाहते हो या अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। चेंज या अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हो। रिसिप्ट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके रीप्रिंट रिसिप्ट स्लैश फॉर्म पे क्लिक करके रीप्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, यहाँ पे चेसिस नंबर के लास्ट की 5 डिजिट डालोगे, ये जो वेरिफिकेशन कोड है इसको यहाँ पे डालोगे, सूट डिटेल्स पे क्लिक करके प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट आप निकाल सकते हो। तो ये पूरी जानकारी है जी। बाकी जैसे ही आप RTO ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दोगे उसके बाद स्टेटस देखना चाहोगे तो स्टेटस यहाँ से आप देख सकते हो। नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करके गाड़ी नंबर या व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालोगे, ये जो वेरिफिकेशन कोड है उसको यहाँ पे डालोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, पेज पे नीचे की तरफ कोड डिटेल पे क्लिक करके आप स्टेटस देख सकते हो। तो वेरिफिकेशन अप्रूवल प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो RC प्रिंटिंग में चली जाती है। जैसे ही प्रिंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद RTO ऑफिस से जाके आप वाहन के RC कलेक्ट कर सकते हो। बाकी स्टेटस की पूरी जानकारी आप देखना चाहते हो कि किस तरीके से स्टेटस देख सकते हो आप एप्लीकेशन का, तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड करके वो आप देख सकते हो। बाकी व्हीकल रिलेटेड और भी जानकारी देखना चाहते हो सिंपली यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा व्हीकल, चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल HP टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट RC, व्हीकल RC पर्टिकुलर, और भी काफ़ी व्हीकल रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सोशल साइट पे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पर आप जुड़ सकते हो। कोई आपका डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।